दोस्तों अभी अभी आपने जो किड्स वीडियो देखा ना, वो किड्स वीडियो आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर बनाएंगे और उसको यूट्यूब पे अपलोड करके अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। दोस्तों मैं आपसे बता दूं एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो किड्स वीडियो होता है ना, इसपे बहुत ज्यादा व्यूज आता है, मिलियंस में आता है, करोड़ों व्यूज आता है। इसका दोस्तों रीजन ये है कि बच्चे के पास हमेशा मोबाइल रहते हैं। आपको पता है जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके पास यार, अगर वो खाना खाने जाएंगे, मैं आपसे एक रियलिटी बता रहा हूँ, अगर वो खाना खाने जाएंगे, अगर वो खाना नहीं खा रहे तो उनकी मम्मी उनको मोबाइल देकर बताएंगे, कोई किड्स वीडियो लगाकर देंगे तब वो खाना खाते हैं। अगर कोई काम करने से पहले जब तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं जाएगा तब तक वो काम वो करते ही नहीं है, ठीक है। मैं आपसे एक रियल चीज बताया हूँ, तो आप अगर किड्स कंटेंट पे वर्क करेंगे तो आपका भी वीडियो कहीं ना कहीं बच्चों के पास जाएगा, वो आपके वीडियो देखेंगे और आपके वीडियोस पे वो आएंगे तो समझिए आपके चैनल पे ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बगल में देखिए मेरी वीडियो ऊपर यहाँ पे चल रही है, उसके नीचे भी मेरा ही वीडियो आ रहा है। देखिए यहाँ पे सभी के सभी वीडियोस मेरा है, तो जाहिर सी बात दोस्तों अगर बच्चा आपका वीडियो एक ऊपर का प्ले कर दिया तो नीचे भी आपका वीडियो आएगा, और नीचे की वीडियो जाहिर सी बात है ऊपर खत्म होगा तो नीचे का ही वीडियो प्ले करेगा, तो फिर से वो आपके चैनल पे आएगा, फिर से आपके चैनल पे आएगा, मतलब वो आपके चैनल पे हमेशा रहेगा। तो आपके चैनल पे जब वो हमेशा रहेगा तो आपके चैनल पे व्यूज भी आने वाले, और जब भी आपके चैनल पे व्यूज आएगा तब आपकी अर्निंग भी जबरदस्त होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मैं हमेशा आपके लिए एक नए नए चैनल के बारे में बताता हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट्स बहुत अच्छा आता है, मैं उनको हर्ट भी देता हूँ, हालांकि मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और कुछ बहुत सारे लोगों को दिल देता हूँ, लेकिन कुछ लोग बुरे बुरे कमेंट करते हैं, क्या करते हैं कि भाई इससे मुझे स्ट्राइक मिल जाएगा, मैं इसको पहले देख लिया हूँ। तो अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, पहले आपने देखा है किया है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि आपने किस कॉन्टेंट पे वर्क किया है, किस कॉन्टेंट पे वर्क नहीं किया है, और अगर आप पहले के किसी वीडियोस पे देखकर कर रहे हैं तो मैं आपसे बता दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस को मैंने देख के समझे हैं, यार लोग एडिटिंग सही प्रकार से समझाते ही नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा है, जब भाई एडिटिंग को सही से समझाएंगे नहीं, वॉइस ओवर कैसे करना है ये सब आपको सही से बताएंगे नहीं, बिना वॉइस ओवर की वीडियोस अपलोड करवाएंगे तो आपके चैनल पे तो प्रॉब्लम होगी होगी, लेकिन मैं अपने चैनल पे कभी ऐसा नहीं बताया हूँ कि बस आपको इसकी रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर देना है। मैं प्रॉपर एडिटिंग सिखाता हूँ, कैसे उसमें वॉइस देनी है, कैसे आपको अपनी एक्टिविटी उसमें देनी है कि बाद में आपको कोई इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो ही ना। तो यार मैं आपसे सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप जो मैं एडिटिंग इसमें सिखा रहा हूँ उस एडिटिंग को आप करिए, समझिए, फिर उसके बाद एडिटिंग करने के बाद उसको यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रहा है तब मुझसे कहिए, क्योंकि दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है, मैं हर एक कॉन्टेंट बनाने से पहले उस कॉन्टेंट पे वर्क करता हूँ, उसको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, जब कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तब जाके आपको बताता हूँ। तो रिक्वेस्ट है यार आपसे कि आप पहले मेरे कंटेंट को देखें, उसके बाद उसको यूट्यूब पे अपलोड करिए। यार पहले आप एडिट करने के बाद जब अपलोड करेंगे ना यार, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो यार आप मुझसे क्वेश्चन ही कहां से करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले आप मेरी एडिटिंग को देखिए, फिर यार आप जाइए उसको अपलोड कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अपलोड करते ही आपको रिस्पॉन्स तो अच्छा मिलने ही वाला है। और यार हाँ, मैं हमेशा अपने चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, वहीं से हम आपको बताएंगे ये किड्स वीडियो आप कैसे बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों जस्ट बगल में आप लोग देख सकते हैं मेरी इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब जस्ट मैं चल रहा हूँ अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में, वहीं से हम आपको कॉन्टेंट दिखाएंगे, फिर उस कॉन्टेंट का अर्निंग प्रूफ दिखाएंगे, क्योंकि अर्निंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अर्निंग आप अच्छे तरीके से देखेंगे नहीं कि कितना ज्यादा यूट्यूब से अर्निंग हो सकती है, तब तक आपके अंदर एक मोटिवेशन नहीं आएगी। तो जस्ट मैं आ जा रहा हूँ अपने यूट्यूब के एप्लीकेशन में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर ली हूँ। अब यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों सर्च बॉक्स में सर्च कर रहा हूँ किड्स लर्निंग वीडियो, जस्ट मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ यहाँ पे KIDS किड्स यहाँ पे लर्निंग वीडियो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों किड्स लर्निंग वीडियोज पे यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जस्ट सिर्फ 1 महीने में यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखिए 1 मंथ में 1.2 मिलियन व्यूज। अब जस्ट मैं उसके नीचे चल रहा हूँ, यहाँ पे सब सिर्फ ये सब किड्स लर्निंग है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 महीने में यहाँ पे 42 मिलियन व्यूज, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 साल में यहाँ पे 2.2 मिलियन व्यूज। अब देखते रहिए दोस्तों, आप बस यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे आ गए हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों 33 मिलियन व्यूज, फिर उसके नीचे यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 1 साल के अंदर 443 मिलियन व्यूज, यार जबरदस्त। ये सब किड्स लर्निंग वीडियोस हैं, उसके नीचे देखिए दोस्तों हर एक वीडियोस पे जबरदस्त वीडियो, लेकिन मैं कोई एक वीडियो यहाँ पे प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पे ऐड आएगा, मैं फिर से बैक करके फिर से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों। और यही वीडियो मैं अभी आपको क्रिएट करना सिखाऊँ, सेम ये वीडियो आपने शुरुआती में तो देखा ही होगा दोस्तों, मैंने वो जो क्रिएट किया था खुद के मोबाइल से किया था, अभी मैं वो क्रिएट करके दिखाऊंगा, ये देखिए दोस्तों।
यहाँ पे ये जो वीडियो है दोस्तों, ये अभी आप कुछ मिनटों में क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, अब हम इस चैनल की अर्निंग प्रूफ दिखाते हैं। ये जो चैनल देखिए दोस्तों, आप ये चैनल देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस पे सब्सक्राइबर कितने हैं, यहाँ पे 11 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ 707 वीडियो में। अब 707 वीडियो में यहाँ पे 11 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो समझिए दोस्तों कितना बड़ा बात है। अब मैं इस चैनल का अर्निंग प्रूफ दिखाता हूँ। अर्निंग प्रूफ के लिए दोस्तों जस्ट मैं 3 डॉट पे टाइप करता हूँ, शेयर पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे इसका लिंक कॉपी करके डायरेक्ट उस वेबसाइट पे आ रहा हूँ, उस वेबसाइट पे इसकी अर्निंग दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने वेबसाइट पे आ गया है। अब जैसे दोस्तों इसका यहाँ पे लिंक यहाँ पे पेस्ट करूंगा ना, इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे हिस्ट्री ओपन हो जाएगी कि ये कितना अर्निंग करते हैं, इनका क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 96.1K डॉलर से लेकर 1.5 मिलियन तक इनकी अर्निंग होती है। हालांकि इनकी अर्निंग 96,100 डॉलर से लेकर यहाँ पे 1.5 मिलियन तक होती है, लेकिन सिर्फ मैं एक अप्रॉक्स सिर्फ 96 मिलियन को आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराओ, यार कितना लाख रुपए हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों एक किड्स वीडियो की है, जिसको बनाया मैक्सिमम 5 से 6 मिनट खत्म होंगे। मैं तो ये नहीं कहूंगा दोस्तों यहाँ पे जितना लाख यहाँ पे दिख रहा है उतना लाख रुपए अर्निंग कर पाएंगे। यार अगर आप मेरे बताए द्वारा चैनल पे वर्क करके आप महीने के 25,000, 30,000, 4,000 भी कमा रहे हैं, तभी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस यार आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आप ऐसी वीडियोस बहुत जल्दी क्रिएट कर पाएंगे। तो यहां तक दोस्तों आपने कंटेंट देख लिया, अर्निंग प्रूफ देख लिया, अब बताते हैं वो कंटेंट को कैसे आप लोग तैयार करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उस कंटेंट के लिए दोस्तों हम आते हैं अपने प्ले स्टोर में, वहां से आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने प्ले स्टोर में यहाँ पे आ गया, जस्ट यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना लोलो किड्स, जस्ट मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे लोलो किड्स यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर आ गया, मैं इसको सर्च कर लूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों आपको कभी कंटेंट की नहीं कमी पड़ेगी, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एप्लीकेशन आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी एप्लीकेशन, सभी से आप कंटेंट को रेडी कर सकते हैं। तो मैं इसमें से 2 एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, आपको एक एप्लीकेशन से पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा कैसे आपको कंटेंट रेडी करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कभी अपने कंटेंट को चेंज करना होगा तो आप इसमें से कर सकते हैं दूसरे वाले में से, ठीक है। जैसे मैं आपसे बता दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, जैसे ये वाला एप्लीकेशन है, इसमें से अगर आपको कभी कंटेंट की कमी पड़ी तो फिर आप इसमें आ जाइएगा, इसमें से कमी तो फिर इसमें, मतलब आपको बदल बदल के, यार एक दिन में एक वीडियो डालेगा, फिर दूसरे दिन में दूसरे एप्लीकेशन डालेगा, तीसरे दिन में तीसरे एप्लीकेशन में डालेगा। दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप अपने कंटेंट में चेंजेस करते रहेंगे तो आपकी वीडियोस हमेशा रैंक करती रहेगी, तो जस्ट वही चीज मेरे कहने का मतलब यही है कि आप हमेशा अपने कंटेंट को बदलते रहिएगा, इसमें से करेगा तो आपका जो कंटेंट है हमेशा यूट्यूब पे रैंक करता रहेगा और आपका जो चैनल हमेशा ट्रेंडिंग में रहेगा, तो आपके वीडियोस पे हमेशा व्यूज आएंगे और जाहिर सी बात दोस्तों व्यूज आएंगे तो आपकी अर्निंग भी जबरदस्त होगी। तो यहाँ तक दोस्तों आपने समझ गया, जस्ट मैं आप ये वाला एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ, और ये वाला तो मैंने आपका समय बचाने के लिए इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। आप जस्ट यहाँ से इसको प्ले कर रहा हूँ और आपको कंटेंट कैसे रेडी करना है आप उसके तरफ चलते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे प्ले वाले ऑप्शन पे टैप कर रहा हूँ। अब प्ले वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए लोलो किड्स के नाम से ही ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद ये कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस है, ये आ गया। यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने के लिए कह रहा, लेकिन आपको इस पर ध्यान अभी नहीं देना है, जस्ट इसको कट करना है, सब्सक्रिप्शन वगैरह आपको लेना भी नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पे आना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक प्ले का बटन दिया है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट आपको प्ले वाले बटन पे टैप कर देना। अब टैप करने के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको अब अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन कर देनी होगी। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है, भाई मैं इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करूँ, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे कर पाऊंगा, तो जस्ट मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने ऊपर से स्क्रॉल किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है मेरे। इसी तरह दोस्तों हर एक मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ढूंढने पे नहीं मिलता है। उनके लिए दोस्तों मैं यही कहूंगा, वो जाइए प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहां पे आप जाइएगा, वहां पे सर्च करिए इसकी रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन, वहां पे आपके सामने ही बहुत सारी इसकी रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको लेकर दोस्तों आप वहां से इसकी रिकॉर्डिंग बेहतर तरीके से कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये कॉन्टेंट, फिर यहाँ पे ये कॉन्टेंट आ गया, ये कॉन्टेंट है, कॉन्टेंट तो बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले वाले को प्ले करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे प्ले वाले ऑप्शन पे टैप किया, अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया। आपको इसमें अपनी इसकी रिकॉर्डिंग को ऑन कर देना है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से आ गया, पहले यहाँ पे कह रहा है बंदर को, मैं थोड़ा सा वॉइस करते हैं यहाँ पे इस बंदर को बंदर वाली जगह लगा दे रहा हूँ, इस चिड़िया को चिड़िया वाली जगह लगा दे रहा हूँ, अब इसको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों गाड़ी लेके फिर चलेगा ये लड़का। आप जाहिर सी बात दोस्तों ये जो यहाँ पे जो कॉन्टेंट है इसको बच्चे देखना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। ये गाड़ी चल रहा है यहाँ पे, देखिए ठीक है, और ये जो कंटेंट है इसको बच्चे देखना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा आवाज इसकी कम कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों अभी आगे और कुछ भी करने के लिए कहेगा, मैं हम वो आपको करके दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये जो चिड़िया है वो भुट्टा खाएगी, और जो बंदर ये केला खाएगा तो उसके जगह पे हम लोग वो रख दे रहे हैं, इसकी जगह भुट्टा रख दे रहे हैं, ये बंदर की जगह केला रख दे रहे हैं, इसके जगह यहाँ पे ऊख रख दे रहे हैं, मतलब ईख, ठीक है, गन्ना वो रख दिए।
अब ये लोगों ने पूरा खा पी के रेडी हो गए, फिर से वो गाड़ी बैठेंगे, अब फिर से वही काम करेंगे, फिर से वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर से वो गाड़ी बैठ गए, अब ये फिर से आगे चलेंगे। जस्ट यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, फिर से गाड़ी इनकी चलने लग गई है। इसी प्रकार दोस्तों, आपको भी इसी प्रकार से कंटेंट को रेडी करना है, और मैंने फिर तरीका तो बता दिया है। यहाँ से कंटेंट की कमी पड़ेगी तो फिर दूसरे में जाएगा, फिर वहां से कंटेंट कमी पड़ेगी तो आप तीसरे में जाएगा। आपको हर चीज में डिटेल में समझा रहा हूँ। तो यहाँ तक देखिए दोस्तों आ गए, अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे ईक आ गया। ईक की जगह दोस्तों इसको रख देना भालू को, ये भालू अपना आराम से ईक वगैरह यहाँ पे करेगा, ठीक है। ईक का मतलब दोस्तों गन्ना वगैरह यहाँ पे लेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे देखिए भुट्टा वगैरह है, तो यहाँ पे चिड़िया को रखना है, चिड़िया यहाँ पे भुट्टा वगैरह खाएगी, ठीक है। अब ये बंदर जो है वो केला की जगह जाएगा, इसको हम केला, यहाँ पे केला आ गया तो इसको केला की जगह हम बैठा दे रहे हैं। अब ये केला की जगह आ गया तो हमारा हर काम रेडी हो गया, और ये कॉन्टेंट दोस्तों आपका रेडी हुआ, अब आप इसकी रिकॉर्डिंग हो गया। तो यहाँ पे देखिए सुवेलन, मैंने यहाँ पे इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, जस्ट मैं यहाँ पे डन कर रहा हूँ। अब आपको अपनी इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर देनी है, ठीक है। बंद करने के बाद दोस्तों अब आपको चलना होगा अपने एडिटिंग की तरफ, क्योंकि एडिटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट दोस्तों मैं आ जा रहा हूँ अपने एडिटिंग की तरफ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जस्ट अब चलते हैं अपने एडिटिंग की तरफ। तो मैं एडिटिंग के लिए यूज करता हूँ पावर डायरेक्टर। आप जिस भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं आप उसको ओपन कर लीजिएगा, हर एडिटिंग एप्लीकेशन एक ही तरीके से वर्क करता है, बस हल्का फुल्का चेंजेस रहेगा, आप उसमें देखकर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल आइडियाज देख रहे हैं, जस्ट आप इसी से करिए, इसी से मैं आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझा दूंगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे अपना पावर डायरेक्टर यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। पावर डायरेक्टर ओपन करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जस्ट आपको इसी पे सिंपल से टैप कर देना होगा। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक 16:9 का ऑप्शन दिया है, इसी में देखिए दोस्तों एक यूट्यूब का लोगो भी बना हुआ है, जस्ट इसी वाले ऑप्शन पे सिंपल से टैप करना है, ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा तरीका समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वीटा, ठीक है, वीटा आ रहा है, पावर डायरेक्टर आया, जो मैंने जिस मतलब एडिट किया वो आ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शेयरमी का ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो मैंने शेयरमी से लिया था शेयरमी का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड जो किया था डाउनलोड में आ गया। अब जो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग में बताया था वो इसकी रिकॉर्डिंग में आ गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसकी रिकॉर्डिंग है, जस्ट इसकी रिकॉर्डिंग पे टैप करना है आपकी, इसकी रिकॉर्डिंग वो इसकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। तो मैंने जो इसकी रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पे ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, जस्ट मैंने इसे इसकी रिकॉर्डिंग को ले लिया। अब ये इसकी रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ले लिया, जस्ट उस वीडियो पे टैप करना, प्लस पे टैप करेंगे वो इसकी रिकॉर्डिंग आपके अंदर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, वही इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको एक बार दिखा दें, वही इसकी रिकॉर्डिंग जहाँ से मैंने प्ले किया था। अब यहाँ पे उसके आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बंदर वगैरह बैठ रहे हैं। अब आपको करना क्या होगा, जो पहले यहाँ पे रॉन्ग पार्ट है, जहाँ से गेम नहीं स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक आपको कट कर देना, तो यहाँ तक आपका गेम स्टार्ट नहीं है तो यहाँ तक आपको कट कर देना होगा। कट करने के लिए दोस्तों जैसे इस वीडियो पे टैप करना है, टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जस्ट एक पेंसिल का आइकन दे रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों एक पेंसिल का आइकन दे रहा है, जस्ट इसी पेंसिल वाले आइकन पे आपको सिंपली से टैप कर देना है। अब पेंसिल पे टैप करने के बाद अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक स्प्लिट का ऑप्शन दे रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसी स्प्लिट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से टैप करना है। जैसे दोस्तों इस स्प्लिट पे टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक छोटा सा पार्ट बन के आएगा, मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये देखिए दोस्तों एक छोटा सा पार्ट जो बन के आया है इसी पे आपको सिंपली से टैप करना है, जस्ट मैं इसी पे टैप कर दे रहा हूँ। अब जैसे दोस्तों उस छोटे से पार्ट पे टैप करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों एक डिलीट का ऑप्शन बन गया, यहाँ पे आप इसी डिलीट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो जो छोटा सा पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। टैप कर दिया, वो पार्ट यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कंटेंट उसी प्रकार से आपको लास्ट में भी देख लेना है, लास्ट में कहीं इस प्रकार से कट वगैरह करना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका कंटेंट खत्म हो गया, तो लास्ट का ये जो यहाँ पे वेल्डन वगैरह दिख रहा है ये सब आपको कट कर देना है। जस्ट मैं यहाँ तक यहाँ पे कट कर रहा हूँ। कट करने का दोस्तों आपको प्रोसेस मैंने बता दिया, वीडियो पे टाइप करना है, पेंसिल पे टाइप करना है, स्प्रीड पे टाइप करना है, डिलीट पे टाइप करना, स्प्रीड पे टाइप किया, यहाँ पे डिलीट पे टाइप किया, वीडियो डिलीट, यहाँ तक दोस्तों आपको कट करने का प्रोसेस पता चल गया। आप बताते दोस्तों ये जो कॉन्टेंट है, इस कंटेंट में थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों ये स्क्रीन में थोड़ा सा अच्छे तरीके से बैठा नहीं है, जूम कर देंगे, ये कंटेंट अभी कंपनी का है, ठीक है, लेकिन आपको इसको अपना बनाना है तो अपना बनाने के लिए इसमें आपको एफर्ट डालना है, जस्ट आपको इसको क्रॉप करना होगा, मतलब जूम करना होगा। तो जूम करने के लिए फिर से वही काम करना है, वीडियो पे टैप करना है, यहाँ पे जो कोने साइड पेंसिल का ऑप्शन, यहाँ पे वीडियो पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो पेंसिल का ऑप्शन दे रहा है आपको फिर से पेंसिल पे टैप कर देना है। पेंसिल पे टैप करने के बाद जस्ट आपको स्क्रॉल करके इधर हटाना है, स्क्रॉल करके जैसे दोस्तों हटाएंगे फिर वही काम देखिए दोस्तों, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक क्रॉप का ऑप्शन देगा, मैं आपको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन देगा, जस्ट आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब आपने अंगुली से इस प्रकार से इसको मतलब इस प्रकार से आपको करना है, मतलब क्रॉप करना है, जस्ट मैं आपके सामने क्रॉप करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, जस्ट ये देखिए यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे क्रॉप कर दिया, ये जो यहाँ पे जो मतलब एप्लीकेशन का लोगो वगैरह आ रहा है उसको क्रॉप करके आपको हटा देना। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये लोगो वगैरह हट गया है। अब ये देखिए दोस्तों कॉन्टेंट कितना ज्यादा जबरदस्त दिख रहा है। अब मैं एक बार प्ले करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है, ये कितना ज्यादा यार जबरदस्त दिख रहा है। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आगा किस प्रकार से क्रॉप करना है, किस प्रकार से क्या करना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको अपना फिल्टर लगाना होगा,
यार जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। नॉर्मली सब काम यही एप्लीकेशन से हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा बताते हैं, जिससे आपको समझ में नहीं आता। कुछ लोग तो ये करना भी नहीं सिखाते हैं, डायरेक्ट अपलोड करवा देते हैं, उसी से आपके चैनल पे प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो मैं करना सिखा रहा हूँ, इससे आपके चैनल पे 110% कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जस्ट आपको इस ये सब जो यहाँ पे बंदर का कलर वगैरह सब कुछ चेंज करना है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, जस्ट फिर से वही काम करना है, फिर से पेंसिल पे टैप करना है। पेंसिल पे टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन देखने के लिए, जस्ट फिल्टर वाले ऑप्शन पे सिंपली से आपको टैप करना है। जैसे दोस्तों आप फिल्टर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स आ जाएंगे, तो मैं इसमें से कोई एक फिल्टर यहाँ पे ले रहा हूँ, कोई भी ले लीजिएगा, बस आपको कलर चेंज करने से मतलब फिर उसको एडजस्ट करके आप सही कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कलर ले लिया। आप देखिए दोस्तों, इसका कलर यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे डार्क मतलब हो गया, बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मतलब कितना जबरदस्त दिख रहा है। देखिए उस ऊपर एक एडजस्ट का ऑप्शन दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 100 दिया है, इसको आप कम कर दीजिएगा। कम करके आप अपने हिसाब जो 20-25 जो भी आप जहाँ तक आपको अच्छा लगा वहाँ तक आप इसको ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 19 ले रहा हूँ, आप जिस प्रकार से जहाँ तक आपको अच्छा लगा वहाँ तक आप इसको ले लीजिएगा। यहाँ तक देखिए दोस्तों, ये काम हो गया। अब आपको बैक कर देना है, यहाँ पे दोस्तों आपका ये भी लग गया है। तो यहाँ तक दोस्तों आपने इसमें फिल्टर भी ऐड कर दिया, आपने इसको क्रॉप भी कर दिया और जो रॉन्ग पार्ट था वो डिलीट कर दिया, मतलब ये तीनों चीज आपने सीख लिया है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो कंपनी की वॉइस आ रही है उस वॉइस को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की वॉइस है तो कंपनी जाहिर सी बात है कभी अगर आपका चैनल ग्रो होगा शुरुआती में तो वो नहीं देने वाले हैं, लेकिन कभी इन फ्यूचर आपका चैनल ग्रो हो जाएगा तब हो सकता है कुछ प्रॉब्लम कर दे। इसीलिए दोस्तों आपको इस कंपनी की वॉइस ही हटा देने होगी। वॉइस हटाने के लिए दोस्तों फिर से वही काम करना है, वीडियो पे टैप करना है, पेंसिल पे टैप करना है, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वॉल्यूम का ऑप्शन देगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों वॉल्यूम, जस्ट आपको वॉल्यूम पे टैप कर देना है। वॉल्यूम पे जैसे टैप करेंगे इसको जीरो कर देना, ठीक है, अब ये जीरो हो गया। अब जीरो होने के बाद इसमें देखिए दोस्तों, आप कंपनी के कोई भी वॉइस यहाँ पे सुनाई नहीं देता, यहाँ पे देखिए कोई भी वॉइस सुनाई नहीं देता। अब जाहिर सी बात दोस्तों, वॉइस तो खत्म हो गई, तो अब इसमें वॉइस कहाँ से लाएंगे? तो दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, अब आपको इस वीडियो में एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना होगा। तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक म्यूजिक का सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, जस्ट उसी वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक म्यूजिक का ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट उसी म्यूजिक वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से टैप कर देना है। टैप करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक आ रहे हैं, मैंने जो शुरुआत में बताया था यहाँ पे हर अगर आपने डाउनलोड किया रहेगा तो डाउनलोड वाले में आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरी जो म्यूजिक है वो डाउनलोड मैंने डाउनलोड किया था तो डाउनलोड वाले में आ गया। जस्ट मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले में आऊंगा और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया तो ये प्लस पे टैप करूंगा, वो वाली म्यूजिक यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मैं इस कंटेंट को आपको सुना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे म्यूजिक तो नीचे डाल दिया है, लेकिन अभी भी दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, म्यूजिक भी दूसरे का है और ये जो ऊपर कॉन्टेंट भी वो भी दूसरे का है, और बहुत सारे लोग यही करते हैं, वो म्यूजिक ही डलवा कर वो वीडियो अपलोड करवा देते हैं। अब यार आप ही बताइए, म्यूजिक डलवा कोई वीडियो अपलोड करवाएगा और कॉन्टेंट भी दूसरे का ही रहेगा तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा? नहीं मोनेटाइज होगा, बाद में जाकर आपको रियूज्ड कंटेंट का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आपको इसमें अपनी एक वॉइस देनी पड़ेगी, और वॉइस देने के बाद दोस्तों आपको कभी भी कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। तो जस्ट आपको इसमें अपनी एक वॉइस ऐड करनी होगी। तो जस्ट वॉइस ऐड करने के लिए जस्ट आपको दोस्तों यहाँ पे फिर से वही काम करना है, जस्ट इस वीडियो पे टैप करना है, इसी वीडियो पे टैप करना है, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन दिया, पेंसिल पे टैप करना है। पेंसिल पे टैप करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों एक आइडिया टूल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों आइडिया टूल, जस्ट आपको आइडिया टूल पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक वॉइस ओवर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको यहीं पे टैप करना है। अब जैसे दोस्तों मैंने वॉइस ओवर पे यहाँ पे टैप किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक रिकॉर्ड का ऑप्शन दे रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक रिकॉर्ड का ऑप्शन दे रहा है, जस्ट आप रिकॉर्ड पे टैप करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड पे टैप किया, अब ओके करूंगा, मेरी वॉइस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जो स्टेज दोस्तों मैं आपके सामने कुछ भी बोल दे रहा हूँ, लेकिन आप उस वीडियो को समझिएगा, फिर आप अच्छे तरीके से उसमें बोलिएगा। जस्ट मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ओके किया। तो दोस्तों यहाँ पे निकल पड़ी है मेरी सवारी। तो चिड़िया भाई आप मेरे गाड़ी पे बैठ जाइए, बंदर भाई आप भी बैठिए प्लीज, और यहाँ पे भालू भाई आप भी आके बैठ जाइए। तो दोस्तों मैं आपके सामने नॉर्मली बोल रहा हूँ और मैं आपसे एक चीज समझा रहा हूँ, जैसे कॉन्टेंट है ये बच्चों का कॉन्टेंट, आपको बच्चों के तरीके से बताना मतलब बात करना पड़ेगा। जैसे बच्चे हैं तो आप चिड़िया भाई कहेंगे, या फिर मैं दोस्तों अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, आप इस प्रकार से बोलेंगे तो बच्चों को देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, हाँ भाई किस प्रकार से बोल रहा है बंदा। तो आपको बच्चों से रिलेट करना है, मतलब आप अगर बच्चे आपका वीडियो देख रहे हैं और जाहिर सी बात दोस्तों अगर बच्चों के तरीके से आप बात करेंगे तो बच्चे आपकी वीडियो देखेंगे और उनको पसंद भी आएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने बोला है, अब ऊपर का जो म्यूजिक का वॉइस है उसको कम करना है, क्योंकि म्यूजिक का वॉइस 100% है, तो म्यूजिक का वॉइस बहुत तेज है तो आपकी वॉइस सुनाई नहीं देगी। जस्ट म्यूजिक का वॉइस कम करने के लिए फिर से दोस्तों वही काम करना है, जस्ट मैंने आपको वॉल्यूम को कम करने का प्रोसेस बता ही दिया है। जस्ट यहाँ पे म्यूजिक पे टैप करना है,
पेंसिल पे टाइप करना है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन आना। जस्ट यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दूँ अच्छे तरीके से कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों वॉल्यूम का ऑप्शन है, और वॉल्यूम वाले ऑप्शन भी जैसे दोस्तों आप टैप करेंगे ना, अब यहाँ पे म्यूजिक को एडजस्ट करने का ऑप्शन है ऊपर, देखिए दोस्तों यहाँ पे 100% आ रहा है। यहाँ पे देखिए अब इसी को एडजस्ट करना है, अब मैं एडजस्ट करके यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 4 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 6 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस वॉइस को सुनिए आप लोग, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे निकल पड़ी है मेरी सवारी, चिड़िया भाई आप मेरे गाड़ी पे बैठ जाइए, बंदर भाई आप भी बैठिए प्लीज, और यहाँ पे भालू भाई आप भी आके बैठ जाइए। दोस्तों मैं आपके सामने नॉर्मली बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इतना बोल देना है, अब आपकी सवारी जो है चलती रहेगी। मैं ज्यादा वॉइस ओवर करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको इतना डाउनलोड ही करना है। अब यहाँ तक आपकी सवारी चलती रहेगी। अब लास्ट में जो है जहाँ तक आपकी सवारी खत्म हो गई, तो आपको बोलना है दोस्तों मैंने अपनी सवारी कंप्लीट कर दिया है, भालू को अपनी जगह पहुंचा दिया है, भालू को मैंने केला खिलाया, ये सब आपको बोल देना है। बस आपको यही करना, नॉर्मली आपको लास्ट में भी ऐसे बोल देना है। बस जैसे दोस्तों आप बोलेंगे फिर आपकी कॉन्टेंट यहाँ पे रेडी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर आपको एक प्रोड्यूस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको प्रोड्यूस पे टैप करना है। फिर यहाँ पे प्रोड्यूस एंड शेयर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जस्ट आपको प्रोड्यूस एंड शेयर पे टैप कर देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको एक यहाँ पे फुल HD का ऑप्शन देगा, फुल HD 1080p का ऑप्शन देगा, इस पर टैप कर देना है। फिर यहाँ पे एक प्रोड्यूस का ऑप्शन देगा, प्रोड्यूस पे टैप कर देना है। जैसे प्रोड्यूस करेंगे ये प्रोड्यूस होकर आपके गैलरी के अंदर आके सेव हो जाएगा। आप जाइए इसको यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, आपको बेहतर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और हाँ आपसे मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूँ, इसको जरूर से आप लोग सुनिए दोस्तों। बहुत सारे लोग करते क्या, जैसे मैंने कॉन्टेंट तो आपसे रेडी करवा दिया, अब वो करते क्या अपने पुराने से पुराने चैनल पर जाकर वीडियो अपलोड कर देते हैं। अब जाहिर सी बात दोस्तों अगर आप पुराने से पुराने चैनल पर अपलोड करेंगे यार उसका रीच डाउन रहता है, और अगर आप उस पर ऑलरेडी एक दो कैटेगरी का वीडियो अपलोड कर दिए, कभी कोई घूमने का वीडियो अपलोड कर दिए, कहीं कोई खाने का वीडियो अपलोड कर दिए, तो अब ये नया कंटेंट बना के उस पर डालेंगे तो कहाँ से आपको रिस्पांस मिलेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आप फ्रेश एक नया चैनल बनाइए नए जीमेल आईडी के साथ, आप उस पर अपलोड कीजिए। और आपको बेहतर तरीके से चैनल बनाने नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है चैनल बनाने में, तो मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाकर रखा है पूरे ऑल टू ऑल सेटिंग के साथ, जाइएगा उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप बेहतर तरीके से अच्छे चैनल बनाएंगे और उस पर वीडियोस अपलोड करते ही आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने मिलने लग जाएगा। तो आशा करते दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके हर एक डाउट मैंने क्लियर किए हैं। अभी तक आपके मन में कोई डाउट है, नीचे मेरा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, उसमें जाकर अपने कमेंट्स को पूछ सकते हैं। और ज्यादा ही बड़ा डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जाइए मुझे वहां पे फॉलो कीजिए, अपने क्वेश्चन को पूछिए, वहां पे दोस्तों मैं आपका रिप्लाई देने वाला हूं। यार बहुत सारे लोग जाते हैं अपने क्वेश्चन को पूछते लेकिन फॉलो नहीं करते, तो प्लीज यार आप लोग फॉलो कर लिया कीजिए। तो चलिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों बाय।